ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और बंगला है ये भी, चार पत्नी, मोबाइल ना छीने यार, इसमें जिन्नत वगैरह है। जनाब यार आभास भाई एक नई चीज इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे, ये सामने जनरेटर देख रहे हो, ये नहीं था यहाँ पर, हम बेड़ार किया जबरदस्त टाइम हुआ करता था। हमारे 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 डिपार्टमेंट से कोई भी नहीं भाई, जनाब सामने जो सिविल आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर ही हमारा डिपार्टमेंट है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो बिल्कुल न्यू है, ठीक है। हाँ यहाँ पर ये इस तरह का है, ये टीचरों का एरिया है ना, तो हम कभी कभार इधर ही मोटरसाइकिल घुसा देते, लेकिन हाँ लेकिन उस टाइम ये ना ये जंजीर जी, हाँ वही चेन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है भाई, DAE का, सही है। और आबास भाई किधर, आबास हमने इधर वायरिंग भी की है, चाहिए वायरिंग लैब है सामने देख, इधर आओ मैं तुम्हें वायरिंग दिखाता हूँ, ये सामने ये वायरिंग लैब, ये कौन सा लैब है इनका इलेक्ट्रिकल का, ये बस इलेक्ट्रिकल का वो है, वो बड़ी बड़ी मशीन वो, ये वायरिंग लैब अभी भी बंद है, अभी भी बंद है, ये कभी भी नहीं होता। ये इस एरिया में जब हम आते थे ना तो इस एरिया को हम कहते थे भूत बंगला। इधर आप ऐसे ये मैकेनिक, कमाल की बात बताऊं अब्बास, कल डिपार्टमेंट हम कहीं पर भी जाओ वो सब डिपार्टमेंट इस तरह भूत बंगले जैसे है ना, ये पता है ये सर बंद किए हुए यार, ये तो पहले इधर से शीशा अभी कलर किए हुए, हाँ इधर हमें अंदर से दिखाते हैं, आओ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, यार ये क्यों बंद किए यार, ये तो पहले नजर आते थे यार। और हाँ वो टीचर को मैं जानता हूँ, ये भाई हमारा कारिश ये प्रैक्टिकल बना है, बस भाई से जानते हो ये क्या ये मैकेनिकल, हाँ यार इधर से ये देखो भूत बंगला है, पूरा का पूरा भूत बंगला है, हाँ ये देखो मैकेनिकल डिपार्टमेंट बिल्कुल इस तरह है ना कि यार, इधर कभी मैं गया नहीं हूँ पूरे 3 साल में, आप क्या कहोगे ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, हाँ इधर आओ इधर इस साइड पे आओ, इस साइड पे आओ इस साइड पे आओ यार, बस मुझे क्या पता था, बस सुनो ये इनका सर्विस स्टेशन मैकेनिकल, ये यहाँ पर अपनी जो है ना ये CSR यहाँ पर हो जो है ना सर, हाँ प्रैक्टिस करते हैं, ओ बिल्कुल आप जैसे आएंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास तो सामने मस्जिद है, ये मस्जिद अपनी वीडियोस में मस्जिद को भी मेंशन करना चाहिए भाई, और ये सामने नहीं है ये बिल्कुल यार, इधर से दिखा रहा हूँ ये सामने एक मस्जिद, बहुत ही अच्छी मस्जिद है, सारी अच्छी होती है, हाँ वो तो अच्छी होती है, मैंने यही कहा, इधर आओ जाते हैं, तू तो वापस जा रहे यार, अच्छा कह रहे थे कि माइक साथ क्यों नहीं लेके आया, हाँ ना यार उसने ये माइक नहीं लेके आया, तो मैं इसलिए साथ नहीं लेके आया, मैंने कहा कि अभी बैग साथ कहाँ पर घुमाएंगे, तो इसीलिए मैं वैसे ही आ गया था। अच्छा माइक के लिए बैग लाना जरूरी है, बैग ट्राइपॉड होते हैं, फिर सेल्फी स्टिक्स होती है और चीजें, फिर मैं सिर्फ माइक साथ नहीं लेके आता, 3-4 चीजें और भी, ये सामने हॉस्टल इधर दिखाओ इनको, हाँ ये तो बहुत पुराने हॉस्टल, ये पुराना हॉस्टल अंदर से दिखाओ, भूत बंगला है ये भी, चार पत्नी, मोबाइल ना छीने यार, इसमें जिन्नत वगैरह है, आ जाओ उनकी साइड पे आ जाओ, मुझे तो डर लग गया यार, बस मेरे पीछे आवाज तो मेरा कहना है, तो ये वर्कशॉप ये इधर आओ मैं इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, टेक्निकल कॉलेज में देखे भाई हर एक चीज, लकड़ियों वाले इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है यार सब बिल्कुल, अगर आप लोगों ने पेशावर में डिप्लोमा करना है ना, BAE डिप्लोमा करना है ना, तो अगर मेरा मशवरा है तो यही कॉलेज से करें, हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट टीचर भी है और हर चीज अवेलेबल है। मैं एक चीज और आपको बताऊँ, जैसे आप आएंगे ना उस साइड से, तो ये आपको ये एक हॉस्टल मिलेगा जो कि इस हॉस्टल के बिल्कुल सामने है, लेकिन ये बंद है। जा भाई तुम क्यों भाग रहे हो यार, यहाँ पर एक शीशा है बहुत, खुद ही मुसलमान से, तो अभी हम यहाँ पर एक ये शीशा है, ये जो हॉस्टल बंद है ना इसमें तकरीबन 40-50 जिन्नात रहते हैं, ये सामने हॉस्टल है, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, अच्छा सेल्फी ले रहे हैं हॉस्टल, ठीक है छोटा सा,
लेकिन अभी इसका विजिट मैं नहीं करा रहा हूँ आपको। चलो यार आवाज भाई चलते हैं यार, बस आवाज भाई आ जाओ। ये देखो मुझे पता है खूबसूरत हो, आ जाओ आज पता है मुझे पता है तो मैं इस शीशे के सामने मर्जी। अच्छा मैं सारे डिपार्टमेंट्स में जस्ट थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं इनको दे दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये उसे पकड़ो जरा फाइल को, ठीक है। और बिल्कुल ये ऊपर जो है ना ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये सामने ऊपर ठीक है। कैमरा मेरी सही से करो ये। अच्छा ये ऊपर हमारा डिपार्टमेंट है ना, इलेक्ट्रिकल चूड़ी का कड़ा ना मुझे कहे कि हमसे तुमने कौन से काम स्टार्ट किए हैं। तो मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है जो मेरे मतलब उसने टाइम गुजारा हो ना, किसने टाइम गुजारा जब उसने एग्जाम दिए हुए हमारे हमारी कॉलेज में। क्या भाई एक बात मुझे ये अच्छी लगती है कि इसमें ग्रीननेस हर जगह पे भाई, अच्छे ट्रीज देख, काम अभी भी हो रहा है, अभी भी काम यार, अभी भी काम हो रहा है, देख रहे हो। कौन से टीचर को टीचरों के साथ ताल्लुक आते हो? तेरी वीडियो तो मुझे आज पता लगी जब भी स्टेशन में आ रहे थे। यार इधर एक टीचर है यार, उससे मिलते हैं यार, सब वासिफ साहब है उनका, उनसे मिलते हैं। सही है, यहाँ हमारे यहाँ पर हमारे एग्जीबिशन हुआ था कहीं आपको याद हो, ये वॉलीबॉल ये कौन सी गेटबॉल सॉरी बास्केटबॉल का ये ग्राउंड है लेकिन बंद है, कोई कोई भी नहीं खेलता इसमें। लड़कों के लगते हैं प्रैक्टिकल है फाइनल ईयर के, जब हम आपको पता है हमारे भी जब डीई में जब हमारा फाइनल तो किसी ने पता है तो वही सबका यही हाल हुआ करता था यार। अब अभी हम गर्मी में तो, मैंने तो प्रैक्टिकल किया था यार, तूने तूने नहीं किया। हाँ बैठ जाते हैं घूम घूम कर थक गए यार, बहुत सालों बाद आए यार। ये देखो क्रिकेट मैच देखने के लिए तमाशा ही खड़े हैं यार, आपको पता है यहाँ से मैंने इधर से रास्ता नहीं है क्या? रास्ता बंद है, सिर्फ एक रास्ता यही हो। पुरानी आदतें शुरू करेंगे ना वो इस जगह जो क्रॉस करके। हाँ यार हमने कुछ तुम्हें बताए, इस कॉलेज में एडमिशन भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। क्यों तुम्हें बस साथ में ये गवर्नमेंट भी, बस एक गवर्नमेंट कॉलेज ये टेक्निकल का और एक गुलबहार में, ये उसका बड़ा सही है। मुर्शिद कहाँ गया? मुर्शिद कहाँ गया यार? थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं, थक गए हैं बहुत यार। आसिफ भाई यार आप किस लिए आए हो? मुझे ये बताओ आप किस लिए आए हो? तो अभी क्या करें यार, अभी आप ही चलो ऐसी तुम फंसो। नहीं वो दूसरा अंदर बैठा हुआ है ना, वो फोन चलता है बस उसको, जब वो आ जाते हैं जाते हैं तो उसके लिए वेट करते हैं। हमारे हमारा कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया ना, बस एक आप आए हो रहे, ये आप आए हो रहे। कोई बेवकूफ़ बन गया, बेवकूफ़ बन गया। नहीं मैं बात मैं तो वैसे ही आया था इसके साथ, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करे। मुझे भी दोस्त ने बताया था कि जाते। जी जी बोलो। पाँच छह साल बाद आए हो अपने कॉलेज, कुछ अपनी दिल की फीलिंग ही बता दो यार कॉलेज के बारे में। याद है ये ग्राउंड? वो गनी लोग इधर कितने गेम खेलते थे यार, मैच यार। अभी तो कोई यार लगते छुट्टियां वगैरह हैं सबकी, अभी मेरे ख्याल में छुट्टियां हुई है ना, लगते है प्रैक्टिकल वगैरह सब ग्राउंड में देखे थे। हमारा वाला सिस्टम था जब एंड में जब प्रैक्टिकल के डेट आ जाते थे सब ग्राउंड में बैठे थे वही प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल वही। ये देखो समझो उसने भी प्रैक्टिकल हाथ में पकड़े हुए यार। अच्छी लाइफ है स्क्वाड रोड, ये जीसीटी नहीं है, अच्छी जबरदस्त बिल्कुल। इंसान के हाथ में फ्रीडम होता है यहाँ पे भाई, इलाज लेनी है नहीं लेनी है वो आपकी मर्जी, लेकिन परसेंट बराबर रखना है। तो बस ये हमारा आसिफ भाई ये भी हमारे साथ इधर इस कॉलेज में था, इसलिए कॉलेज का बैग प्लान नहीं। अभी तो आप जॉब पे जा रहे हो, दिल्ली में कैमरों का काम करते हैं, सीसीटीवी कैमरा जो है ना, तो कभी किधर घूमते हैं कभी किधर, पूरा पाकिस्तान इसने इसमें देख लिया है भाई माशाल्लाह। तो क्यों पाकिस्तान केबीके से बाहर भी जाओगे ना? मैं सिर्फ केबीके से बाहर ही गया। तुम लोग कभी सिर्फ केबीके में ही है? अच्छा अच्छा अच्छा, केबीके तो देख लिया ना भाई, सारी ब्यूटी से केबीके में पड़ी है। आपको क्या पता लोग इधर आते हैं केबीके में क्या घूमने का? हाँ तो अभी ये कब निकलेगा यार, एक तो उसे फॉर्म फिल करने भी नहीं आता। जनाब ये फॉर्म आपको नजर आ रहा है, इसकी स्टोरी हसीब भाई आपको बताएगा। हसीब भाई ये क्या स्टोरी है? ये हम लेके आए फॉर्म, ये हम फिल करेंगे तो हम क्या कहते हैं अपना सुन खा जो है ना वो अभी देंगे उनको, तो वो 1000 में देंगे। हमारे मजे हो गए हमें 1000 तीन प्रोसेस करने, तीन साइन करके भाई साइन होंगे होंगे तो उसके बाद फॉर्म। यार देखो पैसे पैसे चाहिए तो कोई करेंगे, वो तो सामने बंद है यार, वो सामने इनका ऑफिस है ना यार, ये हॉस्टल, ये इनका हॉस्टल है जैसे मैंने उस टाइम दिया।
छुट्टियां हुई ना यार। आओ चलो देखते हैं। ये भाई हमारा जहाँ पर हमने 3 साल गुजारे हैं, ये यहाँ के स्टूडेंट जो कि अभी बहुत मौज में है, लेकिन 3 साल बाद इनको पता लगे। ये हमारे डिपार्टमेंट ने ठीक है, इस क्लासरूम में भी हमने तकरीबन दो साल तो इधर भी गुजारे हैं हमने इस रूम में। और हाँ लैब हमारी बंद है, लेकिन हमारी लैब काफ़ी ज़्यादा भी है, लैब है लेकिन किस्मत टीचर तो नहीं है मड़े। ये देखो भाई इधर हमारे जो है ना नोटिस बोर्ड वगैरह और टाइम टेबल और एक 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 सब्जेक्ट के दो दो पेपर हमने दिए भाई, दो दो पेपर किसी ने भी नहीं दिए। आए जाओ उधर जल्दी देखते हैं ना। तो भाई अभी हम जाएंगे एडवांस लैब की तरफ, बंद है लेकिन एडवांस लैब जो है ना बंद है हमारी। भाई यार हमारा डिपार्टमेंट में एक बात ये देख, इधर से अच्छी तरह यार अच्छी वो एक दफ़ा जो बारिश हुई थी वो इधर सारा पानी कर रहा था, पर हमने भाई अपने एडवांस लैब में जो है ना भाई चाय का प्रोग्राम किया था, चाय अपने लिए बनाई दे साथ में हलवा भी करे, लेकिन अभी ये बंद है यार सारे। चलो ऐसे भी यार चलते हैं, बंद है नहीं है। तो भाई ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है यार लगता है काम अधूरा ही रहेगा। बस हमने फॉर्म उठाया और 2-3 लोगों से साइन कराया यार। और लेकिन एक जगह पे जो है ना वो कह रहा है कि भाई कसम अस्सी बीत के बाद है ना ये जमा करेंगे। अच्छा ये फॉर्म रहेगा, चलो अभी तुम जाओ, मैं तो इस हस्ती के साथ बांधा हूँ अभी इसके साथ। ये देखे कितने बहुत लड़के आए हुए, अब कुछ कहना चाहेंगे आप? यही करना चाहिए, आजकल बहुत गर्मी है बाहर ज्यादा ना निकले, वो तो अभी भी पता है बीमारियां भी जा रही है उससे थोड़ा। तो जनाब हमारे साथ ये वकास भाई भी आ गए। वकास भाई हेलो, बस आप वीडियो के एंड कर दो, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, बोलो ना। अच्छा जनाब इंशाल्लाह अभी हम इधर थोड़ा स्टे कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा टाइम लगेगा, मेरा नहीं लगेगा लेकिन ये सामने पीछे जो कैमरा मैन है ना अब्बास इसका टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई ब्लॉग में, तो अभी अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, व्हाट वकास भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अपना और अपने पैरों का बहुत सारा रखे ख्याल, कोरोना से बचे रहे, फिर से आए।